नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल PYHD24 न्यूज पर। दोस्तों आपको बताते हैं कि ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने दमदार खेल दिखाते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में जीत का खाता खोल लिया है। आपको बता दें कि रविवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रनों से करारी शिकस्त दी। यह इस सीजन में दिल्ली की पहली जीत है जबकि चेन्नई की पहली हार है। मैच में दिल्ली ने 192 रन का टारगेट दिया था जिसके जवाब में चेन्नई टीम ने 6 विकेट गंवाकर 171 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। टीम के लिए अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 45 और डेरेल मिचेल ने 34 रनों की पारी खेली। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में पहली बार बैटिंग करने उतरे लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। आपको बता दें कि इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जलवा जरूर दिखाया और शानदार अंदाज में छक्के जमाए मगर वो 16 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली टीम के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए जबकि खलील अहमद ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई टीम ने इस सीजन में पहला मैच हारा है। इससे पहले अपने दोनों मुकाबले जीते थे, पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया, उसके बाद गुजरात टीम को रौंदा था लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी और दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन अपना खाता जीत के साथ खोल लिया है। दोस्तों यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।